ये बड़ा उत्तम उपाय है भगवान के बन जाना। बनना है तो भगवान के बने। देखो भक्ति मूर्ति माता मीरा छोटी सी बालिका है, 9 वर्ष की बालिका, अपने पितामह दूदा जी के पास रहती हैं मेड़ता में, राजस्थान में मेड़ता एक शहर मेड़ता में रहती। इनके पितामह श्री चतुर्भुज भगवान की पूजा करते हैं। चतुर्भुज भगवान का मंदिर उस महल में ही प्रतिष्ठित था। दूधा जी नित्य भगवान को दूध का भोग लगाते। एक दिन अस्वस्थ हो गए, सोचा आज तो स्नान भी नहीं हुआ, किससे भोग लगवाऊं? तो उन्हें याद आया कि 9 वर्ष की नन्ही बालिका मीरा से ही भगवान को भोग लगवा देते। मीरा जी से कहा कि बेटी ये दूध का कटोरा ले जाओ, भगवान को भोग लगाया। अब नन्ही सी बालिका न पूजा जानती है, न स्तुति, न वंदना, न पाठ। कटोरे में दूध भर के ले गई, भगवान के सामने रख दिया और प्रार्थना करने लगी। मैं पूजा नहीं जानती, मेरे पिता माँ ने भेजा है, मैं दूध का कटोरा भर के लाई हूं, भगवान भोग लगा लो। तो भगवान ने वैसे ही भोग लगाया जैसे रोज लगाते थे, पर मीरा को लगे ही नहीं कि भगवान ने भोग लगाया, तो प्रार्थना करने लगी। थे तो आरोगोनी मदन गोपाल, कटोरो लाई दूध को भरे। अर्थ बड़ा सीधा है, थे तो आरोगोनी मदन गोपाल, हे भगवान इस दूध को स्वीकार कर लो, भोग लगा लो। आरोग, मैं दूध का कटोरा भर के लाई हूं, और ऐसी नहीं आई, दूधा जी मन दई भिलावण जद में आई चाल। दूधा जी मेरे पितामह दूधा जी ने भेजा, तब मैं चलकर आई हूं, और लेकर के आई धौली धैन को दूध गरम कर। धौली धैन को दूध गरम कर लाई मिश्री घाल। धौरी गैया का दूध गरम करके मिश्री डाल के लाई हूं, आप थोड़ा सा पी लो, और नहीं पी रहे हो तो एक बात बताओ, क्या ने रूठ गया मेड़तिया भगवान। हे मेड़ता के भगवान, क्या आप रूठ गए जो दूध नहीं पी रहे? मीरा अपने मन से ही बातें कर रही है। अगर रूठ गए हो तो कारण बताओ, क्यों रूठ गए? किस विध रूठ गया छोगाला, कारण कहो महाराज। कैसे रूठ गए मुझे कारण तो बताओ, और अगर कारण नहीं बता रहे तो दूध कटोरो नाराज नहीं हो तो दूध कटोरो धर्यो सामने,
पीवण री काई लाज। फिर तो दूध का कटोरा सामने रखा है, पीने में कौन सी लाज लगती है? अगर दूध नहीं पियोगे तो भूखे रहोगे, और भूखे रहोगे तो आपके ये फूले हुए गाल पिचक जाएंगे। भूखा मरता रा चिप जासी थारा गाल, भूखे रहोगे तो फूले हुए गाल पिचक जाएंगे। और भगवान इस प्रार्थना पर इतने प्रसन्न हुए, इतनी सरलता से इतने प्रसन्न हुए, धावलिए रो पड़ दो कीन्यो, पर्दा लगाया, जोड़िया दूनियों हाथ, और दोनों हाथ जोड़ लिए, और जो पर्दा लगाया हाथ जोड़े तो गट गट दूध पिवण ने ला गया, चार भुजारा नाथ, गट गट दूध पिवण ने ला गया, चार भुजारा नाथ, बालो राखे छे भगतारी जाति लाज, लाई दूध को बालो राखे छे भगतारी जाति लाज, लाई दूध को और जो पर्दा लगाया हाथ जोड़े तो भगवान दुग्ध पान करने लगे, गट गट दूध पिवण ने लाग्या, चार भुजारा नाथ, भगवान दूध पीने लगे। अब मीरा मां ने जो भगवान का दर्शन किया, बड़ी प्रसन्न हुई, इतना सुंदर रूप पहली बार देखा, भगवान प्रकट होकर दूध पी रहे, उनको लगा का ऐसा दिव्य दर्शन भगवान का। सोचने लगी कि मैं तो आज ही आई हूं, कल से मेरे पितामह दूदाजी स्वस्थ हो जाएंगे तो वही आएंगे भोग लगाने। मीरा भगवान से मन ही मन बोली, बालिका है, कहने लगी भगवान हमारे पितामह दूदाजी बीमार ही बने रहे ताकि मैं ही आया करूं भोग लगाने। लौट कर आई खाली कटोरा, दूधा जी को देखने गांव के प्रतिष्ठित संत महंत पुजारी सब इकट्ठे हुए थे। बेटी भगवान को भोग लगाया? हाँ लगाया। प्रसाद दे, प्रसाद आज नहीं बचा, क्यों? भगवान पूरा पी गए। दूधा जी बोले ऐसे तो नहीं होना चाहिए, रोज बचता था प्रसाद। मीरा बोली अब आज नहीं बचा तो हम क्या करें? पुजारियों ने कहा कि अरे बेटी है बच्ची है इसी ने पी लिया होगा, झूठ बोल रही है, हम लोग तो मंदिरों में ही रहते हैं, भगवान को रोज भोग लगाते हैं, ऐसे थोड़ी ही होता है। दूधा जी ने कहा कि प्रसाद नहीं बचा इसकी मुझे शिकायत नहीं, शिकायत ये झूठ क्यों बोल रही। माता मीरा ने कहा कि मैं झूठ नहीं बोल रही। अब तो पंडे पूछो, नहीं 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 हमको क्यों नहीं हुआ, तुम्हें ही क्यों हुआ, ये मैं नहीं जानती। अच्छा सबने कहा क्या भगवान दूध दोबारा पिएंगे? माता मीरा ने विश्वास के साथ कहा कि जिसने एक बार पिया है वो दोबारा भी पिएगा।
अब तो फिर दूध का कटोरा भरा गया, सब समाज गया। और मीरा कह रही थी, ओ गिरधारी गोपाल, पीर तू ही यकी नाही हरे गो, ओ गिरधारी पात्र में शेष न छोड़ा, अब क्यों पीने से मुख मोड़ा, पी ले थोड़ा दूध देवता तेरों का पहले कटोरे में दूध बचने नहीं दिया, अब थोड़ा भी ग्रहण नहीं कर रहे, थोड़ा दूध पी लो क्या बिगड़ जाएगा आपका, नहीं पिया। माता मीरा व्याकुल होकर बोली, दूध कटोरो भर के आई संग पितामह परिजन लाई। दूध कटोरा सामने रखा है, पितामह परिजन आदि को साथ लेकर आई है। हे कन्हाई ये सब समाज मेरो उपहास करे गो, ओ गिरधारी गो, गोपाल गिरधारी। पितामह आए हैं, परिजन आए हैं, संत महात्मा पुजारी आए हैं, ये सब मेरी हंसी उड़ाएंगे। भगवान ने तो भी दूध नहीं पिया। माता मीरा बोली, मैंने आपको पैपान करते देखा है, मंदिर में मेरी रुचि राखी लखीन काहू ने वह झांकी, तुझ बिनिया बिनीत मीरा की, तुझ बिन तुझ बिनिया बिनीत मीरा की, साखी कौन भरे गो, ओ गिरधारी गोपाल। साखी कौन भरेगा, मेरी गवाही कौन देगा,
दर्शन तो मैंने ही किया था और मैंने ही इन सब से कहा है। मीरा मूर्छित होकर गिर गई। जब मीरा मूर्छित हो गई तो हिले राज महल, डुले खंभ श्री मंदिर के, खुले दिव्य दर्शन को सभी के द्वारे हैं। कांप गए पंडित दंभ भाजे, हृदय को त्याग बाजे एक साथ घड़ी शंख और नगारे हैं। दर्शक विनीत भव्य भाव में भुलाए गए, ऐसे अकुलाए गए पीत पटवारे हैं। एक ही नख पे गोवर्धन धार्यो जिन, उन चार भुज मीरा के प्रेम में पसारे हैं। और तो किसी को नहीं दिखा पर मीरा को जगा। मीरा ने नेत्र खोले, भगवान का दर्शन किया। दो भुज से पैसे भरियो लीन्यो पात्र उठाए, और दो भुज से नंदलाल जू मीर ही रहे जगाए। सबको तो दूध का कटोरा खाली दिखाई पड़ा। सबने कहा धन्य है दूधा जी आप, देखे जग के जोगी भोगी ज्ञानी तपसी त्यागी, आज विधाता की सृष्टि में दूधा जी बड़ भागी। भक्ति भावना लिए हृदय में, दूधा जी बोले भक्ति भावना लिए हृदय में आई मीरा बाई, और जिसने मेरे जन्म जन्म की पूजा सफल बनाई। बेटी को गोद में ले लिया दूधा जी ने, आंखों में आंसू भरकर बोले बेटी अब चतुर्भुज भगवान को भोग लगाने तुम्ही आया कर। मीरा तो इतनी प्रसन्न हो गई, रोज भगवान को भोग लगा।